तो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। तो मेरे भाई, आज जो है मैं आप लोगों को 12th यानी कि बारहवीं गणित 2023 मॉडल ऑब्जेक्टिव जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और लाजवाब है, जिसका 100 ऑब्जेक्टिव का PDF मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। आज जो है 25 ऑब्जेक्टिव फिर मैं कराने जा रहा हूँ आप लोगों को। मैं कह दिया हूँ कि 20 दिन में पूरा 500 ऑब्जेक्टिव मैं कराऊँगा, जिसमें से आप लोग के एग्जाम हॉल में 60 से 70 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। पूरा सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव है, आप लोगों को चिंता नहीं करना है मेरे भाई, इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट में मैं बता देता हूँ, सभी वीडियो में लास्ट में ही मैं बताता हूँ। पहले नंबर आप लोग को अच्छी तरह से ये समझ लेना है, याद कर लेना है, और टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन करना है, ठीक है? और सब्जेक्टिव के लिए आप लोगों को पूरा साइंस का सिलेबस के लिए आप लोग अभी तत्काल में स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार का ऐप जो है आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है? जैसे उस पर 1000 अपलोड, 500 प्लस अपलोड अभी तक कर लिया है सभी स्टूडेंट ने, और जो जो सबसे पहले अपलोड करेगा वो सभी लोग शुरुआत में फ्री में PDF वहाँ से डाउनलोड होता है। जैसे 5000 कैंडिडेट वहाँ पर अपलोड कर लेंगे, उसके बाद आप लोग को वहाँ पर कुछ पैसा लगने लगता है ऐप पर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग सबसे पहले इंस्टॉल करके उसे रख ले, ठीक है? प्ले स्टोर से स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार का ऐप। तो चलिए मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव कराता हूँ। अभी तो मैं इसका PDF ऑब्जेक्टिव का PDF फ्री में मैं दे रहा हूँ, कहाँ से दे रहा हूँ वो भी मैं बताऊँगा। हमेशा अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो कहिए, शुरू हो रही है ऑब्जेक्टिव की कहानी। ए प्यारलाल सर, देख रहे हैं 12th मैथ स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार की तरफ से एकदम गर्दा उड़ा दिया है। 101 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? देखिए, ये बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव है, कब कब पूछा गया है सभी चीज़ इसमें दिया हुआ है। जो न्यू सिलेक्टेड है उसमें BM लगा दिए हैं। कह रहा है देखिए, इंटीग्रेशन कह रहा है A से B, यानी कि लोअर लिमिट A है और अपर लिमिट B है FxDx, जहाँ NH बराबर दे दिया है B-A, यानी कि कहने का अर्थ हुआ हाई हुआ NH मतलब, तो यहाँ पर B-A कह रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा ना कि लिमिट में यदि H टेंस टू 0 अगर मान लिया जाए तो N-1, तो R का मान 0, फिर यहाँ N रखिएगा तो R का मान यहाँ 1 हो जाएगा। फर्क यही है। दूसरी नंबर बात, आप लोग को यहाँ पर सेम टू सेम रहेगा, यहाँ पर H नहीं दिया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर H दिया हुआ है, यानी कि दोनों फार्मूला आप लोग को सही है, यानी कि AC भी हो गया। ऑप्शन नंबर D इज राइट आंसर। ये सभी फार्मूला से रिलेटेड है। फिर देखिए, यही चीज़ है आप लोगों को, वही चीज़ आप लोग को बता। यहाँ पर 0 से 1 कह दिया है ना, एकदम तो यहाँ पर N का मान दे दिया। जब संख्या रहता है तो N का मान हो गया, तो यहाँ N इन्फिनाइट तक गया है, तो N-1, तो यहाँ R का मान 0। अगर यहाँ N रखिएगा तो यहाँ R का मान 1 रखना पड़ेगा, तो यहाँ N के मान इन्फिनाइट तक है। तो क्या हुआ ना कि 1/N यहाँ पर दे दिया है, यहाँ R/N, तो वही चीज़ है, केवल आप लोग को यहाँ पर मान चेंजिंग किया है, यानी कि आप लोग को दोनों के दोनों ऑप्शन नंबर C, क्योंकि यहाँ पर नॉन ऑफ दीज दिया हुआ है। अगर यहाँ पर भी ऑल ऑफ दीज देता यानी कि इनमें से सभी, तो यही होता, लेकिन यहाँ पर नॉन ऑफ दीज है, यानी कि ऑप्शन नंबर CA तक मारेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोगों को एकदम एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ। आगे की ओर, D/dx ऑफ, ये 2021 में ये इंटीग्रेशन पूछा था, ठीक है? तो यहाँ पर साइन इन्वर्स, और यहाँ पर देखिए एंगल दे दिया, एंगल x के जगह पर क्या दे दिया है, 3x-4x³। तो हम लोग x के जगह पर वही मान रखेंगे, तो इसका होता है, आप लोग जानते ही हैं कि 1/√1-x² होता है, लेकिन यहाँ पर x के जगह पर यहाँ पर इतना चीज़ दे दिया है, तो इतना ही चीज़ यहाँ पर लिख देना है। ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर, क्योंकि फिर यहाँ पर एंगल का भी इंटीग्रेशन बनाना पड़ेगा ना, एंगल का। तो पहले तो इसका हो गया, गुणांक में नीचे 3 आ जाएगा, फिर आप लोगों को 4 है, ये गुणांक के अनुसार आते रहता है, ठीक है मेरे भाई? तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर, ये सभी फार्मूला है। आगे की ओर क्या करा है, ध्यान से देखिए, ये 2021 में ये भी पूछा हुआ है आपका, D/dx ऑफ, यानी कि डिफ्रेंसिएसन पूछ दिया ना, ऊपर में भी डिफ्रेंसिएसन ही था, ठीक है? इंटीग्रेशन अभी डिफ्रेंसिएसन ही चला है, इसके बाद इंटीग्रेशन आप लोगों को आएगा। तो यहाँ पर कह रहा है, तो ये तो आप लोगों को याद ही होगा मेरे भाई कि साइन का उल्टा कॉस होता है, तो कॉस
कॉस रूट अंडर एक्स हो जाएगा, लेकिन रूट अंडर एक्स का ही डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो रूट अंडर इसका होता है आप लोग को वन बाई टू रूट एक्स, तो वन बाई टू रूट एक्स बाहर में आ गया है। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम गर्दा उड़ा दिए हो। अगर आप लोग वाकई में अच्छा से पढ़ाई करते हैं तो आप लोगों को एकदम नंबर यहाँ से आना ही आना है। 25 ऑब्जेक्टिव में रोजाना भी करा रहा हूँ, आप लोग डेली जुड़िए, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ टू टेन इनवर्स एक्स, यानी कि टू को बाहर कर लेंगे, टेन इनवर्स का होता है वन बाई एक्स एक्स स्क्वायर, तो टू बाहर है यानी कि ऊपर में टू हो जाएगा, ऊपर में टू हो जाएगा मेरे भाई। आइए यहाँ पर अगर कॉट कहता तो यहाँ पर माइनस लग जाता, ठीक है, माइनस वाला हो जाता, लेकिन ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे क्या कह रहा है मेरे भाई, यहाँ पर भी 2021 में पूछा गया है, कह रहा है एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन, तो पहले नंबर एक्सपोनेंशियल होगा, तो आखिरकार इसका डिफरेंशिएशन इतना ही होगा, लेकिन फिर पावर का डिफरेंशिएशन कीजिएगा, तो पावर पहले पावर में एक कम, यानी कि पहले डिफरेंशिएशन बनाए तो ये आ गया आप लोगों को, ये नहीं आएगा, पहले डिफरेंशिएशन बनाए तो आप लोगों को ये आ जाएगा ये वाला, फिर इसका पावर का एक्स के पावर थ्री का डिफरेंशिएशन बनाइएगा तो पावर पहले पावर में एक कम आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही राइट होगा। चलिए अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को बढ़िया से एकदम याद होगा, बहुत ही शानदार जानदार एकदम प्यारलाल आप लोग को 2021 में ये पूछा गया है। सभी ऑब्जेक्टिव सेलेक्टेड जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है, सभी चीज़ आप लोगों को करा दिया गया है फॉर्मूला के तौर पर, और आप लोगों को न्यू सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव जो भी होता है मैं करा रहा हूँ। क्या कहा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग थ्री के पावर एक्स कर रहा है, तो सबसे पहले नंबर एक बात जान लीजिए कि लॉग के साथ जो भी जुड़ा हुआ था वो नीचे आ जाता है, नीचे आ जाता है ये बात जानते हैं, फिर पावर का आप लोग को डिफ्रेंशिएशन बनाइएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो है 107 का ऑप्शन नंबर एकदम बी ही राइट होगा। कहे कि ये सरकाई से, तो पहले नंबर देखिए एक मिनट, हाँ पहले नंबर लॉग थ्री एक्स है तो वन बाई थ्री एक्स, एक नहीं नहीं ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा, ठीक है ए राइट होगा, क्योंकि देखिए आप लोगों को समझ में आना चाहिए एक बात मैं जो बताने जा रहा हूँ, सो डी बाई डी एक्स ऑफ अगर लॉग एक्स रहता है तो वन बाई एक्स होता है, तो थ्री के पावर एक्स है तो थ्री के पावर एक्स, और फिर पावर वाला को अगर आप लोग अगर थ्री पावर है तो पावर बनेगा तो एक आएगा मान डिफ्रेंशिएशन में, क्योंकि डी एक्स डी बाई डी एक्स लिखिएगा तो इसे ही कट जाएगा, यानी कि एक आएगा, यानी कि वन बाई थ्री के पावर एक्स एकदम राइट आंसर। आगे की ओर क्या कर रहा है, आगे की ओर देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वन अरे वन बाई साइन एक्स प्लस ई के पावर एक्स, तो वन बाई साइन एक्स कह दिया है, तो देखिए भैया सीधी सी बात है, मैं एक बात आप लोग को, तो साइन के ऊपर ले जाइएगा तो आप लोग क्या होता है, तो साइन के अगर ऊपर ले जाते हैं तो कॉसेक हो जाता है, तो कॉसेक का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो कॉसेक का डिफ्रेंशिएशन आप लोग जानते ही हैं कि कॉसेक इंटू कॉट माइनस में आता है, कॉसेक इंटू कॉट आता है, ई के पावर एक्स को अगर बनाइएगा तो जैसे के तैसे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर आप लोग नए नए हो तो आप लोग अभी से भी बेल आइकन को दबा करके टर्न सीवर बजाइए, और प्ले लिस्ट इसका पूरा वीडियो को बना दिया गया, ठीक है प्ले लिस्ट बना दिया गया 12th मैथ 500 ऑब्जेक्टिव का, उसके बाद आप लोग केमिस्ट्री का जो पूरा 500 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, और फिजिक्स का एक भी मेरा ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगा, आप उसके बाद मैं सब्जेक्टिव पर भी लगूंगा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री का मैं ऑब्जेक्टिव भी कराना शुरू करूंगा बहुत ही जल्द, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है इसीलिए हम अपलोड कर रहे हैं, 109 है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ इतना लिमिट दे दिया है 2021 में पूछा गया हमारे प्यारा लाल। तो बताइए यहाँ पर सबसे पहले नंबर बात, यहाँ पर यहाँ एक्स के मान ए रखिएगा तो ए के पावर एन, ठीक है यहाँ पर भी ए, यानी कि ए में से ए घट गया तो जीरो आ गया, तो जीरो आएगा तो जीरो से भाग कीजिएगा इतना में तो जीरो आएगा, तो जीरो के अगर कुछ बनाइएगा तो हमरे प्यारे लाल आप लोगों को जीरो ही आएगा, समझ रहे हैं ना भैया, कहिए कहिए आप लोग दे दना दन ए प्यारे लाल ऑब्जेक्टिव को, प्यारे लाल ऑब्जेक्टिव को। चलिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट अंडर एक्स, तो सीधी बात है कि देखिए कभी भी आप लोग देखिए एंगल समान हो तो उसका पाई बाई टू होता है मान, अगर पाई बाई टू का डिफ्रेंशिएशन बनाइएगा तो ये कांस्टेंट होता है, तो उसका लड्डू शर्मा बोले तो जीरो बार, भैया आप लोग एकदम गर्दा उड़ा दिए हैं, दे दनादन क्या प्यार लाल, दे दनादन आप लोग को पूरा पीडीएफ दे देंगे हम फ्री में, जैसे ही 200 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा तो उन्हें 100 गो ऑब्जेक्टिव का मैं पीडीएफ बना करके दे रहा हूँ आप लोगों को, कहाँ से डाउनलोड करना है 100 गो ऑब्जेक्टिव के सो मैं बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है हिंदी का और इंग्लिश का भी आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल करा दिया गया है, एक एक मॉडल पेपर का सभी चीज़ मैं बताऊँगा आप लोग को, डाउनलोड कर लेना ही कर लेना है। फिर क्या कहे देखिए यहाँ पर देखिए आप लोग यहाँ ए है,
क्या है, ए है। अब यहाँ पर थीरी के जगह पर, यहाँ पर एक्स के जगह पर अगर जीरो रखिएगा, क्या रखिएगा, जीरो, ए रखिएगा, ए यहाँ पर ए रखिएगा, ठीक है ए, क्योंकि यहाँ एक्स के माने ना कहाँ है। अगर यहाँ पर अगर आप लोग ए रखते हैं हमारे प्यारे लाल, तो आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, ये तो पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट हो गया। तो कॉस थीरी एक्स के, तो आप लोग कहिए कि सर माइनस थीरी साइन ए हो जाएगा, ठीक है ए है तो ए, लेकिन डी बाई डी एक्स और फिर थीरी ए के बनाइएगा तो जीरो आ जाएगा। अब जीरो अगर मानेगा, जीरो से गुना कीजिएगा तो सबके सब जीरो, तो वाह मेरे प्यार लाल आप लोग हो गए हीरो। आप लोग कहिए दे धनातन ए सर, कहिए दे धनातन ए सर ऑब्जेक्टिव को प्यार लाल, आप लोगों का ऑब्जेक्टिव झुकेगा नहीं प्यार लाल, उठेगा क्या उठेगा तो नंबर। अब क्या कहा डी बाई डी एक्स ऑफ इतना कह रहा है, तो इतना कह रहा है तो देखिए फॉर्मूला है, इसको आप लोग को एकदम चाट जाना है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, इसको कैसू को का चाट जाना है। सबसे पहले नंबर देखिए, आप लोग डिफ्रेंसिएशन बनाते हैं तो यहाँ पर देखिए रूट अंडर एक्स का तो क्या आता है, वन बाई टू रूट एक्स आता है, तो यहाँ पर समझिए कि ये रूट एक्स है तो इसको यहाँ पर टू रूट एक्स। और यहाँ पर देखिए आप लोग को इसको बनाइएगा ना इंटीग्रेशन, इसको फिर सॉरी डिफ्रेंसिएशन फिर, तो ई एक कर तो जीरो आ जाएगा आ ई आ जाएगा टू एक्स हो जाएगा आ ए में खाली बच जाएगा आप लोग को ए, तो यही ऊपर रह जाएगा, समझ रहे हैं ना, हम पूरा एकदम डिटेल बता रहे हैं बहुत बढ़िया। अब क्या कहा डी बाई डी एक्स ऑफ टू इन टू ई के पावर टू एक्स कह रहा है, ई के पावर टू एक्स तो टू के तो हम बाहर कर दिए, आ फिर एक्सपोनेंशियल के तो जैसे के तैसे हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, आ फिर एक पावर के बनेगा तो टू एक्स आएगा तो टू आ जाएगा, यानी कि दो दुना चार, कहिए कि सर कैसे बोल दिए। तो चलिए पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, तो पहले इसको बराबर में बनाइएगा तो ई तो आ जाएगा, पहले आप देखिए टू आ ई के पावर टू एक्स हो गया, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ठीक है वेरिएबल तो टू एक्स बनाइएगा, तो यहाँ पर देखिए ई वाला से ई वाला कट जाता है तो टू बाहर आ जाएगा, तो दो दुना के कितना आ जाएगा, दो के बाहर कीजिएगा तो दो दुना के चार आ जाएगा। तो ये आप लोग समझ गए ना प्यार लाल, बाजी प्यार लाल, अरे आप लोगों के लिए अपन जिगरा देने के लिए तैयार है, खाली आप लोग हमारा साथ जुड़ल रहिए ना, आ कभी कभी मैं कई को फेको न्यूज़ मार देते हैं समझे ना, तो गुस्सा नहीं मानिएगा, जानते काहे मार देते हैं, सब फेक न्यूज़ पर दर आ जाता है, इसीलिए हम भी कभी कभी मार देते हैं, तो आप लोग आशीर्वाद नहीं दीजिएगा समझे ना, परनामे कीजिएगा समझ रहे हैं ना, हाँ क्योंकि आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं लेकिन फेक हम नहीं बताएंगे, आप लोगों को जो भी बताएंगे जेनुइन, हमारा फेक न्यूज़ में भी आप लोगों के लिए फ़ायदा होता है क्योंकि फेक न्यूज़ के जरिए हम पढ़ने वाला बात बताते हैं, सभी लोग फेक न्यूज़ के जरिए केवल फेंकने वाला बताते हैं। तो बताइए भैया हम पढ़ाने वाला है, आप लोग पढ़ने वाले हैं, तो कहिए दे दनादन ऑब्जेक्टिव को प्यार लाल 2021 और 2022 में पूछा गया है। तो देखिए भैया हम पहली बता दिए हैं इसको, तो आप लोग सबसे पहले नंबर बात आप लोग खोपरिया में एगो बात बैठा लीजिए, कथी में प्यार लाल तो खोपरिया में, आ कहिएगा ये सर सर हम खोपरिया के झोपरिया में बैठा लेंगे लेकिन हमको बताइए, तो सीधी बात नो बकवास। सबसे पहली नंबर बात हम कहना चाहते हैं आप लोगों को क्या कि आप लोगों को log x का ये फार्मूला है तो ऑप्शन नंबर डी मार देना है एग्जाम हॉल में, क्या मारना डी n बटे x ठीक है n बटे x बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ एक कर देखिए ई वाला हम नहीं बताएंगे भैया, आप लोगों को साइन x के योर आंसर कमेंट नाउ, यानी कि कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करना है, अगर पक्का अगर समझ रहे ना, हम वही शर्त कहते हैं क्या कहते हैं लपेटा सपेटा जेना बुझे से वही वाला बात, जे कमेंट नहीं कीजिएगा समझ जाइएगा क्या चाहिएगा से, एकदम प्यार लाल एकदम इसका कमेंट चाहिए हमको क्योंकि पहले से हम बता चुके हैं फिर दोबारा आ गया है। अब टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वाह टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सबसे पहले नंबर बात जान लीजिए कि आप लोगों को टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर ए एक्स दे देंगे, फिर एंगल को बनाइएगा ए एक्स को तो डी बाई डी एक्स कीजिएगा तो ए बाहर आ जाएगा तो ए तो बाहर आ जाएगा तो इसीलिए ए पहले लग गया शुरू में तो वही ए बाहर आ गया, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर बी तो ए इंटू सेक स्क्वायर ए एक्स ए इंटू सेक स्क्वायर ए एक्स बहुत बढ़िया एकदम हिला दिए मेरे भाई। आगे की ओर क्या करें 117 में यदि y बराबर साइन log x तब dy वाई बाई डी एक्स, बताइए भैया y के मान देते इसका कह रहा है तो साइन के तो पहले कह दीजिए cos x, क्या कहिएगा तो cos आ x के बदला में log यहाँ पर x दे दिया, फिर log x के बनाइएगा तो बटा में x आ जाएगा, तो बात जी प्यार लाल मार दिया दबा के मारिए ए बार प्यार लाल, आई भूखे प्यासे बना रहे मुँह से आवाज़ें नहीं निकल रहा है क्या बताएं, भूखे प्यासे भूख लग गया बड़ा ज़ोर से। तो क्या करें यदि y बराबर x के पावर 5 तो dy वाई dx क्या हो जाएगा, तो बस सीधी बात है पावर पहले पावर में एक कम तो 5 पहले और 5 में एक कम, तो बाबैया प्यार लाल, अरे आप लोग अभी तक ललका को दबा के मन नहीं किए, हल्का सब्सक्राइब बटन को ललका को दबाइए मन कीजिए हल्का एकदम दे देना दम, आप प्ले लिस्ट पर जाकर के पूरा वीडियो देखिए ठीक है पूरा वीडियो। यदि y बराबर साइन स्क्वायर एक्स
तो डी वाई बाई डी एक्स, बस भैया सीधी बात, नो बकवास, कहिए सर, ये सर सीधी बात, नो बकवास, ये फार्मूला बा कथी बा प्यार लाल, थोड़ा सा घूम गया, इसको हम सिया कर लेते हैं। ये फार्मूला है, क्या है फार्मूला है, आप लोगों को पूरा ऑब्जेक्टिव मिलेगा, चिंता तो चिंता नहीं करना, चिंता तो चिंता नहीं करने का प्यार लाल, 2016 में 2019 में पूछा है। अरे पूरा ऑब्जेक्टिव भैया समझिए कि हम पूछा हुआ है, ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, और न्यू सिलेक्टेड जो कि आप लोग एग्जाम हॉल में 203% एकदम पूछने वाला है, समझ रहे हैं, एकदम टू पहले हो जाएगा। और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बहुत बढ़िया, देखिए भैया ये फार्मूला बा का बा, फार्मूला बा एकदम 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 आगे की ओर, ये 2016 में पूछा गया है। करे कॉस तो देखिए इसका हो जाएगा माइनस साइन, माइनस साइन, आ लॉग एक्स हो जाएगा, आ ई लॉग एक्स के बटा में एक्स आ गया, तो ऑप्शन नंबर किधर है भैया, किधर है भैया, ऑप्शन नंबर बी होगा, बी बी बा भैया प्यारलाल एकदम 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 एकदम। आगे क्या करा है कि देखिए यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन पूछ दिया है, तो पहले तो एक डिफरेंशिएशन बनाइएगा, तो पहले आएगा आप लोग को थ्री आई एक्स स्क्वायर आएगा, फिर गुने में फिर बनाइएगा इतना ही के, मतलब इतना ही के बनाइएगा एक्स स्क्वायर के, तो फिर एक्स स्क्वायर के बनाइएगा, तो सीधी बात नो बकवास, फिर आ जाएगा टू आई एक्स, यानी कि आप लोग समझ रहे हैं प्यारलाल, प्यारलाल समझ रहे हैं ना, आप लोग नहीं समझिएगा तो कौन समझेगा, एकदम प्यारलाल, तो तीन दुनी के छः आ जाएगा, तीन दुनी के छः एक्स, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, देख रहे हैं ना, धीरे धीरे पावर बैंक घटते ना जाएगा, तो पावर बैंक घटे तो क्या जाएगा, सिक्स एक्स आ जाएगा, सिक्स एक्स एकदम, आप लोग समझ रहे होंगे हमारे बात एकदम एकदम। आगे की ओर देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर डी वाई डी एक्स, तो सेक सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है जानते हैं, सेक का क्या होता है, पहले नंबर सेक का डिफरेंशिएशन समझ लीजिए ना, इनमें से कोई नहीं प्यार लाल, इनमें से कोई नहीं, एकदम एकदम ये में ऑप्शन में से कोई नहीं होगा, कहिए कि एस और कैसे नहीं होता, सेक के आप लोग जानते हैं कि सेक एक्स इंटू टैन एक्स, आ फिर टैन इनवर्स के बनाइएगा तो बटा में आ जाएगा आप लोगों को वन प्लस एक्स स्क्वायर आएगा इसका, एकदम प्यार लाल, देखिए हम पूरा डिटेल बता दिए, आज बताएंगे 125 तक, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, सो इतना का कह रहा है आप लोगों का हल, तो ये फार्मूला है मेरे भाई, इसको एकदम चाट जाना है, रट जाना है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब भी इस टाइप का परीक्षा में क्वेश्चन आवे तो क्या करना है, वन प्लस वाई आ बराबर, देखिए लॉग वन प्लस वाई बराबर एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस के, बहुत बढ़िया 2019 में पूछा गया है, इसको सबको रट जाना है एकदम, वाई बराबर इतना कह दिया है तो डी वाई वाई, तो इसका तो भैया एकदम बनाना जरूरी है, तो इसका हो जाएगा वन बाई, पहले में एक्स के पावर एक्स लिखिएगा एक बार, दूसरी नंबर बात फिर एक्स के पावर एक्स के अगर ये बनाते हैं तो आप लोगों क्या आएगा, तो 124 के आप लोगों को एकदम करेक्ट आंसर ये आएगा ऑप्शन नंबर वाह दे दनादन, क्या प्यार लाल, तो दे दनादन ऑप्शन नंबर बी, फार्मूला है ये सब, यहो सब फार्मूला एक तरह समझिए, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, तो इसका मान आप लोग जानते हैं कि इसका पाई बाई टू होता है, ठीक है, तो पाई बाई टू डिफरेंशिएशन हुआ तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इसका कॉन्स्टेंट है। चलिए 125 तक मैं बता दिया हूँ, और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है एक और कमेंट, क्या करना है कि आप लोग करना है एक कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन किया हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ का, बताइएगा कॉट इनवर्स एक्स का, नहीं लिख पाइएगा आप लोग, गड़बड़ आ जाएगा, ये नहीं लिख पाइएगा, तो हम बताते हैं दो सौ हल्का बताते हैं, चलिए आप लोग को हल्के दे देते हैं, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, इसका आप लोग जरूर कमेंट में करेंगे। दूसरी एक बार क्वेश्चन देते हैं, एक्स के पावर 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, दो क्वेश्चन आप लोग अगर वाकई में पढ़ते हैं, अगर आप लोग हमारे स्टूडेंट होंगे एकदम पर्सनली तो आप लोग जरूर कमेंट करेंगे जो हमें चाहते हैं, क्योंकि आंसर देने में पीछे नहीं, जब कोई क्वेश्चन करता है तो उसको जवाब देना भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि रावण जब कहा युद्ध लड़ेंगे तो राम जी इधर से धक्का दबा दिए एकदम ढोरी में मारे एकदम उनको समझते हैं ना एकदम खोरी में भेजा दिए एकदम, चलिए समझ रहे हैं ना, तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। बहुत जी प्यारलाल आप लोग को आना है क्रोम ब्राउजर पर या गूगल पर आना है, सर्च करना है ये स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, अरे बोल भी दीजिएगा प्यारलाल तो आ जाएगा, चिंता नहीं करने का, समझ रहे, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करना है यहीं पर दबा करके, अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किए तो कर लीजिएगा, लाइव क्लास आप लोग को बहुत ही जल्दी सभी विषयों का होने वाला है, तो सबसे पहले आते ही आप लोग क्या करना है एकदम दबा करके एकदम
एकदम आप लोगों को देखिए यहाँ पर आइए सिविल में प्रवेश मार देना पीडीएफ लेने के लिए। लेकिन आप लोगों को अगर क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ लेना है तो यहाँ पर सभी चीज़ों का पीडीएफ यहाँ पर डाउनलोड हो गया, अपलोड हो गया है, आप लोग यहाँ से डाउनलोड कीजिए। आर्ट्स वाले का यहाँ पर हो जाता है और डेली टेस्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर लगाना है, ठीक है। ऐसे 800 वाला होगा तो उसको कह दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आर्ट्स वाले दूसर चैनल है, उस पर भी पढ़ाई होता है, दूसरा सर जी पढ़ाते हैं, हम तो भैया साइंस के सर जी। इसको खोल देना है, खोलने के बाद पहले बंद कर दीजिए, खोल भी सकते हैं तो ऊपर की ओर आना है और गणित में घुस जाना है। क्या चीज़ में? गणित में। गणित में जैसे ही घुसिएगा तो आप लोगों को पहले नंबर आएगा फोटो, तो ये फोटो पर क्लिक कर देना है, ठीक है। फोटो पर क्लिक कीजिएगा, जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों को देखिए इस तरह का इंटरफेस आएगा, इस तरह का इंटरफेस आएगा, देख रहा है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, फोटो पर क्लिक करके 100 ऑब्जेक्टिव डाउनलोड करें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो उसके बाद आप लोग को नीचे की ओर आना है स्क्रॉल करके, और उसका आंसर जो 100 ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर आंसर हम दे दिए, क्योंकि शुरुआत में जो है ना थोड़ा सा फोटो जो पीडीएफ है, देखिए हम पीडीएफ पहले पीडीएफ इस पर क्लिक करते हैं, इसी पर फोटो पर क्लिक करेंगे हम और देखिए पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। आप लोग को एडोब स्कैनर आप लोग को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यही वाला पीडीएफ इसी से डाउनलोड होगा, आप लोग को पहले इसको डाउनलोड करके रखना है, ठीक है, तभी ओपन होगा। तो चलिए इसको देखिए, यहाँ पर आप लोग को ऑब्जेक्टिव बहुत ही शानदार, देखिए यहाँ से 1 से होगा, नीचे करते हैं या पार्ट 4 तक 100 हो गया था, देखिए यहाँ पर 1 नंबर से है, पूरे एकदम लाजवाब ऑब्जेक्टिव है मेरे भाई। पूरा कब कब पूछा गया, कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव, पूरा एकदम यहाँ पर दिया गया है। तो और अगर आप लोग खाली फार्मूला लेना चाहते थे तो हम बता दिए 12th वाला मैथ में आना है, चलिए आप लोग को बता दिए। डाउनलोड हमारे कम से कम 5-6 बार भी डाउनलोड हो गया, हम 5-6 बार बता दिए। फिर नीचे की ओर आना है और क्या करना है आप लोगों को, आप लोगों को यहाँ से आप लोगों को मैथ का पूरा फार्मूला का पीडीएफ डाउनलोड करना है, खाली फार्मूला है, में सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव नहीं है, केवल इसमें फार्मूला है, केवल फार्मूला अगर आप लोगों को यहाँ से आकर के तैयारी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कब कब कौन कौन सा फार्मूला पूछा गया है, पूरा यहाँ पर दिया हुआ है, 2022 तक है इसमें, ठीक है, 2022 तक है। आप लोगों को यहाँ पर आना है, टोटल फार्मूला दिया हुआ है मेरे भाई, और जो चीज़ आप लोगों को ज़रूरत है वो नीचे भी आप लोगों को दे दिया गया, इसी के माध्यम से आप लोग क्लिक करके वो सभी चीज़ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए आप लोगों को ये इतना ही रूटीन है, आप लोगों को यही करना है। और दूसरी नंबर बात, आप लोग आकर के डेली टेस्ट लगाए। तीसरी नंबर बात, आप लोग आईएससी में आइए और यहाँ से आप लोगों को इसी पर, चलिए एक बार और क्लिक करके हम बताए थे आप लोगों को, चलिए एक मिनट, चलिए एक काम और है देखिए, क्योंकि आप लोग को हम वर्क देंगे पढ़ाई के लिए तभी आप लोग पढ़ पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर खुला है, थोड़ा सा नेटवर्क कभी कभी स्लो हो जाता है, समझ रहे हैं ना। आप लोगों को क्या करना है, हिंदी में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आप लोगों को याद करके आना है कल, कल हिंदी में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 याद करके आना है आप लोगों को। कल हम हिंदी वाला क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कुछों के पूछ सकते हैं। चलिए मेरे भाई, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री जीव विज्ञान बायोलॉजी सभी चीज़ों का यहाँ पर जो है अवेलेबल कर दिया गया ऑब्जेक्टिव तैयारी करने के लिए, ठीक है। यहाँ चैप्टर वाइज इसमें दे दिया गया, मैथ का केवल पीडीएफ हम दे रहे हैं, क्योंकि मैथ अभी लिखाया नहीं है, इसीलिए केवल पीडीएफ आप लोगों को दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और सभी चीज़ों का क्वेश्चन बैंक आप लोगों को क्वेश्चन बैंक वाला में है। तो चलिए इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा लगा हो तो एक एक लाइक करें, शेयर करें और दबा करके एकदम बेल आइकन प्रेस करें और एक एक शेयर करें मेरे भाई। तो चलिए आप लोग ऐप डाउनलोड जरूर कर लेंगे। चलिए इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।